दिनांक 13 जनवरी दिन शनिवार रिबु श्रीवास्तव का सोनभद्र आगमन पर सोनभद्र समाजवादी पार्टी महिला मोर्चा की जिलाध्यक्ष एडवोकेट गीता गौर ने जनपद की तमाम महिला कार्यकर्ताओं एवं जिलाध्यक्ष रामनिहोर यादव, चंदौली के पूर्व विधायक जितेंद्र प्रसाद तथा जिला महासचिव मोहम्मद सईद कुरैशी एवं जिले के अन्य पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया, जहां जिला कार्यालय पहुंच पर रिबु श्रीवास्तव ने सर्वप्रथम आदरणीय राम मनोहर लोहिया जी की स्मृति पर फूलों की माला चढ़ाते हुए उन्हें नमन किया तथा 2024 में होने वाले चुनाव को लेकर प्रदेश के बूथों की मजबूती के लिए जनपदों का क्रमवार निरीक्षण एवं कार्यकर्ताओं की स्थिति को मजबूत करने पर बल दिया तथा जिला कार्यालय पर दिए साक्षात्कार में प्रधानमंत्री मोदी पर जमकर निशाना साधा तथा साथ ही दुद्धी विधानसभा क्षेत्र का दौरा करते हुए बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं से उनके चुनाव में योगदान को महत्वपूर्ण धुरी बताया, जहां उन्होंने इस संदर्भ में महिला मोर्चा की जिलाध्यक्ष एडवोकेट गीता गौर की सराहना करते हुए महिला नेतृत्व के लिए उनका आभार जताया। वहीं अगर एडवोकेट गीता गौर की बात की जाए तो कानूनी दांव पेंच की अच्छी जानकारी के साथ जनपद में होने वाली किसी महिला उत्पीड़न में अपना पूरा सहयोग प्रदान करती हैं, जिसका फायदा समाजवादी पार्टी को आने वाले लोकसभा चुनाव में निश्चित तौर कितना देखने को मिलेगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। यहां ये बता दे, किसी भी पार्टी की महिला मोर्चा की ओर से एडवोकेट गीता गौर काफी प्रभावशाली एवं सोनभद्र बार एसोसिएशन में एक तेज तर्रार अधिवक्ता के रूप में पहचान रखती हैं, जिसका लाभ आने वाले चुनाव में निश्चित तौर पर देखने को मिल सकता है। इस क्रम में आगे A to Z UP खास के ग्राउंड से ये खास रिपोर्ट। समाजवादी पार्टी की महिला सभा की इकाई का आज पूरे सोनभद्र की सभी विधानसभाओं की विधानसभा अध्यक्षों और उनकी कमेटी और हमारे जिले की अध्यक्ष जो हैं उनकी कमेटी की आज बैठक है। हम लोग 2024 के चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी की बूथ वीरांगनाओं का एक ग्रुप तैयार कर रहे हैं, जो हर बूथ पर समाजवादी पार्टी के लिए के लिए तैनात रहे। और जो जिस तरह से आज महिलाओं का उत्पीड़न हो रहा है, महिलाओं के लिए जो सबसे ज़्यादा समस्या इस सरकार में है, आज आज़ादी के से लेकर के अब तक की सबसे ज़्यादा अगर महिलाएं परेशान हैं महंगाई से, जिस तरह से उनके रसोई का बजट बिगड़ा है, जिस तरह से उनकी सुरक्षा और सम्मान में हमेशा इस समय कमी आई है, उसके लिए आज पूरी महिलाएं एकजुट होकर के समाजवादी पार्टी की तरफ देख रही हैं। हम लोग सभी महिलाओं को एकजुट करके जो बूथ स्तर पर एक सेना तैयार करेंगे जो समाजवादी पार्टी के लिए लड़ेगी। और जिस तरह से आज उत्तर प्रदेश में आधी आबादी है महिलाओं की और महिलाएं सबसे ज़्यादा परेशान हैं, और जिन महिलाओं ने कभी भाजपा को भी वोट दिया था, वो भी आज समाजवादी पार्टी की तरफ उनका रुझान है। उनको लगता है कि पेट काट काट के अपने बच्चों को पढ़ाने लिखाने के बाद भी उन्हें नौकरियां अपने बच्चों को नहीं मिल रही हैं, और जब समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी तो उनके प्रति जो हो रहे अपराध, अन्याय, जो अत्याचार बलात्कार हो रहे हैं, उसमें भी कमी आएगी और रोजगार भी मिलेगा। भाजपा तो कहती है कि महिलाओं के हित में ही वो कार्य कर रही है, केवल कहने वाली बात है। महिला भाजपा की सारी बातें जुमलेबाजी वाली हैं, चाहे वो 15,000 रुपए सबके खाते में आने वाली बात हो, चाहे 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात हो, या महिलाओं की सुरक्षा संबंधी बात हो, आज जहां भी देखिए महिलाएं परेशान हैं। चाहे वो नेशनल खिलाड़ियों को देख लीजिए, चाहे वो अभी कानपुर की घटना देख लीजिए, हाथरस की घटना देख लीजिए, कहीं की भी घटना हो, बनारस में अभी जो BHU IIT की लड़की के साथ जो हुआ, उसमें सभी भाजपा के नेताओं, बड़े नेताओं के साथ उन अपराधियों की फोटो थी, इसके बावजूद भी आज उनके साथ कुछ भी नहीं हो रहा है। तो जिस तरह से महिलाएं परेशान हैं और नारी बंदन अभिनंदन की बात भाजपा करती है, लेकिन कोई भी उसकी सारे वादे खोखले वादे हैं, इसलिए महिलाएं अब उनकी बातों को समझ चुकी हैं। 5 किलो राशन के बल पर वो अब तक जो भी कर सकते थे कर लिए, अब महिलाएं समझ गई हैं कि ये केवल उनकी झांसी देने की बात है। 22 जनवरी को अभी अयोध्या जा रही हैं। अरे भगवान का मंदिर है, हमारा जब मन करेगा तब जाएंगे। 22 जनवरी कोई ऐसी डेट थोड़ी है जो उसी दिन जाना है।